राजधानी लखनऊ के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा देखने को मिला, जिसमें आजमगढ़ जिले के लालगंज तहसील से लखनऊ की ओर जा रही मारुति सुजुकी कंपनी की फोर व्हीलर कार एक्सप्रेसवे के डिवाइडर से टकरा कर 30 फीट नीचे जा गिरी। गोसाईगंज थाना अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे गांव भोला के पूर्वा गांव के पास अनियंत्रित कार चालक को झपकी आने के कारण पलट गई। ग्रामीणों ने बताया कार में सवार लोग आजमगढ़ जिले के लखनऊ गृह प्रवेश में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे, जिसमें चालक संतोष कुमार, वैभव व एक महिला और अन्य बच्चा भी मौजूद था। ग्रामीणों ने बताया कार सीधा डिवाइडर से टकरा कर 30 फीट एक्सप्रेसवे के नीचे पलट गई, जिससे कार के पर खच्चे उड़ गए। वहीं पर मौजूद नवीन कुमार, रवि कुमार स्थानीय शंभुदत्त प्रजापति ग्रामीण द्वारा सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसमें चालक संतोष कुमार को मामूली चोटें आई हैं। आगे सीट पर बैठी महिला को भी चोटें लगी हैं। दोनों बच्चे ग्रामीणों की मदद से कार के बाहर निकाल लिए गए, जिससे कोई बड़ी अनहोनी होने से बच गई।